चलिए, आज का टॉपिक है बच्चों हमारे पास केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। दिस इज एन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एज वेल एज चैप्टर फॉर नीट एंड जेई एग्जामिनेशन। इसमें कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन हमें आराम से मिल जाते हैं। हम इसके अंदर सीधा वर्ड यूज करेंगे बॉन्डिंग। तो हमें सबसे पहले इस चैप्टर में ये पहचानना है कि बॉन्डिंग क्या, कैसे बॉन्ड बनते हैं और बॉन्ड हम बनाते क्यों हैं। तो बेसिकली हम बोलेंगे टू और मोर एटम कंबाइन बाय एनी काइंड ऑफ फोर्स। सो मैनी फोर्स वी हैव, किसी फोर्स के थ्रू वो एटम कंबाइन हो रहे हैं, वो क्या बना लेंगे, क्रिएट या फॉर्म बॉन्ड, और वो बॉन्ड हमारा क्या हो जाता है, केमिकल बॉन्ड। सिंपल। अब हमें देखना है फोर्स क्या क्या है हमारे पास। तो हम सीधा उस फोर्स, फोर्स इज बेसिकली इंटरमोलिकुलर फोर्स। इंटरमोलिकुलर फोर्स स्ट्रांग हो सकता है, फॉर श्योर वीक भी हो सकता है। तो जब हमारे पास इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या है, स्ट्रांग है, तो वो ऑलमोस्ट कितना है, इट इज अबाउट 200 टू 400 किलो जूल पर मोल। सी, अच्छा खासा फोर्स है। तो यहाँ पर इस फोर्स के थ्रू जो बॉन्ड्स क्रिएट होता है, वो बॉन्ड कौन कौन से हो सकते हैं, इट कैन बी आयोनिक विच इज ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड, द सेकेंड वन इज कोवेलेंट, एंड द थर्ड वन इज मेटालिक, एंड द नेक्स्ट वन इज कोऑर्डिनेट। इन सिंपल, कोऑर्डिनेट इज अ पार्ट ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। तो कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेट और कोवेलेंट इंटरलिंक हैं, वो हमें देखने को मिलेगा। और यहाँ पर कौन कौन क्या बनाएंगे, डेफिनेटली वी हैव टू सी। वीक में हमारे पास क्या आ जाते हैं, सो द फोर्सेस विच इज वीक, वो हमें देखने को मिलता है हाइड्रोजन बॉन्ड में। और कुछ फोर्स हैं जो हमारे वीक हैं, वो कौन कौन से हैं, येस फॉर श्योर लंदन फोर्स, आप लोगों ने नाम सुना होगा, विच इज ऑल्सो नोन एज डिस्पर्जन फोर्स। नेक्स्ट डायपोल डायपोल फोर्स एज वेल एज डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल। ये सारे फोर्स को हम बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करते हैं चैप्टर स्टेट्स ऑफ मैटर के अंदर, गैशियस स्टेट में। इन सभी को हम कह सकते हैं इन जनरल वैन डर वाल फोर्स। क्लियर। अभी हम ये देखेंगे किस में कहाँ ये फोर्सेस जनरेट होते हैं, किस एलिमेंट में, किस एटम में। सो हमें इसके रिस्पेक्टफुली टॉपिक आगे इंक्रीज करना है। तो टॉपिक आई हैव टू स्टार्ट विद आयोनिक, और वी कैन से इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। आयनिक और इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड किस एटम में। सी, हमारे पास मेटल है, हमारे पास नॉन मेटल है, हमारे पास मेटल नॉन मेटल का कॉम्बिनेशन है, आयन्स है, इन सब में कोई ना कोई फोर्स है। उन्हीं के थ्रू हम लोग थ्योरी आगे बढ़ा रहे हैं और उन्हीं के थ्रू हम ये चेक कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ कौन सा बॉन्ड बन सकता है। तो मैंने बोला मेटल और आयनिक बेसिकली, तो मैं ये कह सकती हूँ व्हेन मेटल एंड नॉन मेटल कंबाइन बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब मेटल और नॉन मेटल के बीच में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है तो डेफिनेटली एक फोर्स जनरेट होगा। तो वो फोर्स कौन होता है, एंड आप चलो ये ना लिखो, आप सीधा बोलो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सिंपल वर्ड, तो आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म। सिंपल, पहले यही लिख लेते हैं, आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म, ईजी। सो हम जानते हैं मेटल, मेटल हैज अ टेंडेंसी टू रिलीज इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन रिलीज बोल सकते हैं, और दूसरा वर्ड वी कैन से डोनेट,
करता है। तो जब कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन रिलीज या डोनेट कर रहा है वो हमें पता है वो मेटल है, तो वो क्या फॉर्म करता है, फॉर्म केटायन। और एट द सेम टाइम नॉन मेटल हैज़ अ टेंडेंसी टू गेन एज वेल एज वी कैन से एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, तो वो क्या फॉर्म करता है, विच इज़ फॉर्म एन आयन। तो हम ऐसा देख रहे हैं बड़े आराम से कि यहाँ पर दोनों ही आयन्स फॉर्म कर रहे हैं। तो आयन्स फॉर्म करने का कॉन्सेप्ट क्या होता है, हमारे पास जो भी एलिमेंट आयन बनाता है तो डेफिनेटली एक फोर्स जनरेट होता है उन आयन्स को बाइंड करने के लिए। तो वो बाइंडिंग फोर्स कौन हुआ, बाइंडिंग फोर्स ऑफ आयन्स इज नोन एज कोलंबिक और इलेक्ट्रोवेलेंट फोर्स, या यू कैन से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो हमें कहीं ना कहीं ये दिख गया कि मेटल और नॉन मेटल जो आयनिक बॉन्ड बनाते हैं वो कौन से फोर्स से फॉर्म हो रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक और कोलंबिक फोर्स। और ये फोर्स हमें किस में देखने को मिलता है, आयन्स में। एंड यस इट इज स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स, क्लियर। चलो ये सारी तो बातें हमने सुनी, अब जरा हम देखते हैं कि हुआ कहाँ। हमें पता है सोडियम है, ठीक है। सोडियम क्या कर सकता है, जैसा कि हम जानते हैं सोडियम के आउटर मोस्ट में वन इलेक्ट्रॉन होता है। तो रादर देन राइटिंग दिस आपको एक छोटी सी चीज़ हम बता देते हैं जिसे हम कहते हैं लुइस स्ट्रक्चर या लुइस डॉट स्ट्रक्चर। उसको जानना थोड़ा सा ज़रूरी है क्योंकि एकदम से कुछ बच्चों को समझ ही नहीं आएगा कि ये डॉट कहाँ से आ गए। तो लुइस डॉट स्ट्रक्चर इज वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन डिनोटेड by dot normal, तो like sodium, now I can write the example, sodium has one valence electron, as you know 11 is the atomic number, 2, 8, 1, now हम ले रहे हैं chlorine, तो chlorine have 7 electron in their outermost shell, 2, 8, 7, so one electron is going to transfer to chlorine, so as well as sodium become noble element, yeah, you can see.